कि बर्ड फ्लू का अलर्ट हुआ है, केरल में कुछ क्षेत्र में ऐसे लक्षण मिले हैं, इसलिए पूरे उत्तराखंड में इसमें अलर्ट कर दिया गया है। केरल में बर्ड फ्लू फैलने के बाद उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पशु चिकित्सा विभाग एक्टिव मोड में आ गया है, जहां पर पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र द्वारा सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में प्रवासी पक्षियों का आवागमन शुरू हो गया है, इसी को लेकर पशु विभाग भी अपने निगाहें बनाए हुए हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं दुर्गेश तिवारी, रुद्रपुर। देखिए, बर्ड फ्लू का अलर्ट हुआ है, केरल में कुछ क्षेत्र में ऐसे लक्षण मिले हैं, इसलिए पूरे उत्तराखंड में इसमें अलर्ट कर दिया गया है। हर एक जिले में इसमें अलर्ट है, तो इसमें हमने अपने सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो नियमित तौर पर उनके क्षेत्र में जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर नियमित जांच करें, और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसकी हमें तुरंत यहाँ पर सूचना। जी हाँ, जो प्रवासी पक्षी हमारे आते हैं मेन ये गुलर वोल डैम वगैरह में, तो उनसे भी ये इन्फेक्शन आ सकता है, तो हमने उनको भी निर्देश दिए हैं। अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से भी कहा गया है कि वो संपर्क में रहें, और यदि किसी प्रवासी पक्षी में इस तरह की मृत्यु की सूचना मिलती है उसको भी यहाँ रिपोर्ट करें। जी हाँ, सैंपलिंग के लिए हमारे यहाँ मंडलीय रोग निदान प्रयोगशाला है, उसके माध्यम से जांच की जा रही है, और जब ये सैंपल इकट्ठे हो जाएंगे तो ये एक साथ भोपाल लैब भेजे जाएंगे और वहीं से ही रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है।